तो दोस्तों फाइनली हांगकांग पहुंच गया हूं मैं। अभी फ्लाइट लैंड की है हांगकांग एयरपोर्ट पे, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इमिग्रेशन के लिए जाना है, देखते हैं यहाँ क्या पंगा होगा। पिछली बार मैं मकाऊ से हांगकांग नहीं आ पाया था, तो इस बार मैं हांगकांग आ गया हूँ। मकाऊ से हांगकांग आना था, उन्होंने आने दिया, तो इस बार मैं डायरेक्ट बैंकॉक से हांगकांग आ गया हूँ। और अभी यहाँ पे मुझे किसी से मिलना है एयरपोर्ट पे, आपको बताऊँगा। छोटे छोटे आइलैंड हैं, पहाड़ हैं और बादल है काले बारिश वाले। फिर से पंगा बढ़ गया, एक घंटा हो गया हांगकांग इमिग्रेशन में। पहले तो 5 ऑफिसर ने आके घेर लिया, आधा घंटा जवाब सवाल किया, सारा बैग खुलवा लिया, सारे पेपर चेक कर लिए, फिर बोला ओके आप जाओ इमिग्रेशन में। अब इमिग्रेशन वाला कह रहा है कि आपके पासपोर्ट में और आपके प्री अराइवल में कुछ एक शब्द ऐड नहीं है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश होना चाहिए, खाली गाजियाबाद है। अब उसने मुझे एयरलाइंस पे भेजा है। अब कौन सी एयरलाइन से क्या है वो रही, HK एक्सप्रेस, हद हो गई। मेरी टोपी उतरवा दी, सब टोपी पहन के घूम रहे हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है भारत छोड़ने का। अब इंडियन पासपोर्ट मुझे सरेंडर करना पड़ेगा या मुझे ट्रैवलिंग बंद करनी पड़ेगी, कीड़े मकोड़ों की तरह जिस कुएं में पैदा हुआ हूँ उसी कुएं का मेंढक बन के रहना पड़ेगा, या फिर पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार, दो बार हो गया, 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, अब इससे ज़्यादा ये जिल्लत सहन नहीं कर सकता। अभी मैं हांगकांग एयरपोर्ट पर हूँ, 2 बार इमिग्रेशन की लाइन में लग चुका हूँ, दोनों बार उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। जब मैं जैसे ही एंटर किया, मुझे 5 इमिग्रेशन ऑफिसर ने सर्कल बना के घेर लिया, मेरा एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया, इंटरनेट पे जाके चेक किया, मेरे पास सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी, मेरे डॉलर US डॉलर चेक किए, मैंने उनको 1,000-1,500 US डॉलर दिखा दिए। उसके बाद उन्होंने बोला ओके, फिर मैं इमिग्रेशन लाइन में लगा, फिर उसने कुछ बोला कि ये ओके नहीं है, आप दोबारा एयरलाइंस के पास जाओ। फिर मैं आया, उसके बाद वापस दोबारा 20-25 मिनट लंबी लाइन में लगा, फिर उन्होंने फिर इमिग्रेशन पुलिस को बुला लिया, वो जो ऑफिसर, वो जो स्टैंप लगाता है। फिर वो मुझे अपने उसी इंटरोगेशन रूम में लेके गए और उन्होंने बोला कि अभी, फिर मेरे को बैठाया आधा घंटा। अब मुझे बोला है कि 20 मिनट बाद जाके आप दोबारा लाइन में लगो, हमने कुछ अपडेट किए हैं, तब वो जा करके होगा। जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पर एंट्री करी फ्लाइट से निकलते ही, मेरी टोपी उतरवा दी उन्होंने। मैंने कहा चलो हो सकता है इमिग्रेशन एरिया है, टोपी अलाउ नहीं होगी। मेरे अलावा हर देश के आदमी ने कैप पहन रखी थी, लेडीज़ ने पहन रखी थी, मैंने कहा शायद लेडीज़ को छूट होगी, पर तो वो दिक्कत आ रही है बहुत। ये मैंने सुना तो था कि लोग ट्रैवलिंग में दिक्कत आने की वजह से पासपोर्ट सरेंडर करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट की रैंकिंग हमारी पिछले साल 12 नीचे गिर गई, ऑलरेडी बहुत नीचे है हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग। मेरे पास प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन है, अप्रूवल है मेरे पास हांगकांग गवर्नमेंट का, मेरे पास इनफ डॉलर हैं, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है, सब कुछ है, पर फिर भी दिक्कत हो रही है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, बड़ा गुस्सा आ रहा है। मेरे को 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं इस समय, 2 से 2.5 घंटे, और अभी मुझे 15 मिनट का वेट करके लाइन में लगना है, क्योंकि अगर मैं अभी लाइन में लग गया कि 15 मिनट की लाइन है और फिर उसने बोला तो मुझे दोबारा फिर वही पुलिस को बुलाएगा, फिर वही दोबारा पेपर चेक होंगे, 2 बार ऐसा हो चुका है। तो या तो पड़े रहो, जहाँ पैदा हुए वहीं पड़े रहो। मकाऊ में देखा था आपने क्या हुआ था, अब या तो मैं शक्ल से ही मवाली दिखता हूँ या क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम, पर अब नहीं ये होने दूंगा। अब मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे देश की खामी है ना, हमारी पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे गिर रही है और वो विश्वगुरु बन रही है। मतलब कोई कमी तो हो पेपर में, एक जगह गलती हो सकती है एयरपोर्ट पे, 2 जगह हर बार एज ए इंडियन वो नीला पासपोर्ट देखते ही, मतलब मकाऊ वाली फ्लाइट में मैं अकेला इंडियन था, तो अभी तो लाइन में ही लगा था, अभी तो कोई पेपर भी नहीं शो किया था, सीधा वो आकर के मुझे लाइन से निकाल के ले गए। ऐसे थोड़ी किसी देश में गिड़गिड़ा करके जाएंगे, अपनी सफाई दे करके जाते रहेंगे, जी देखो जी मैं जेन्युइन हूँ, मैं जेन्युइन हूँ। तो मुझे लगा था यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो मैं प्रॉपर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन ले करके जा रहा हूँ, मेरे पास इनफ मनी है, ट्रैवल हिस्ट्री है, जो जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए थे सोर्स ऑफ इनकम के, वो सब मैंने तैयार किए हुए इंडियन में, मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ
ये सब करने में, उसके बावजूद भी मतलब आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो क्रिमिनल घुस रहा है आपके देश में। रोटियां हमारी ट्रैवलिंग से चल रही हैं इनकी, नखरे इनके साथ में आसमान पे हैं। इनकी गलती नहीं है ना, क्योंकि अगर ये सबके साथ ऐसा करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कर मतलब मैं बाकी कंट्रीज के साथ जिनके पासपोर्ट पावरफुल है उनके साथ क्यों नहीं करते हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता। हम क्या नेपाल श्रीलंका घूमने के लिए आ ही रह गए हैं, 2.5 घंटे हो चुके हैं, 2.5 घंटे से मेरी वाइफ बाहर इंतजार कर रही है क्योंकि उसकी फ्लाइट मेरे से 2 घंटे पहले आ गई थी। उससे भी उन्होंने मेरी डिटेल ली है, उसने मेरे को मैसेज किया कि तुम्हारी डिटेल ली है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो जन्म है, हमें क्या दिक्कत है, ले लो डिटेल। दो बार मतलब लाइन इतनी लंबी है, आधे आधे घंटे की लाइन है, 2 बार मैं लाइन में लग चुका हूँ, दोनों बार मेरे को बाहर आना पड़ा। उससे पहले जैसे ही घुसा था एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन एरिया में, तो मैं फॉर्म भर रहा था, एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है, मैं फॉर्म भर रहा था, मेरे आसपास 5 इमिग्रेशन ऑफिसर आके खड़े हुए। उन्होंने मेरा 20-25 मिनट तक एक एक पेपर चेक किया, इंटरनेट पर जाके चेक किया, काफ़ी जवाब सवाल किए, मेरे कैश पैसे देखे कि कितने डॉलर है आपके पास, पैसा कितना आपके पास, मैंने सारे पैसे उनको दिखाए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है ओके। मैंने सुना था कि भी लोग ना ट्रैवलिंग में दिक्कत आने की वजह से इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करते हैं, मजबूत देश का पासपोर्ट लेते हैं। मैंने कहा यार ऐसा क्या आता होगा, एक दिन की तो बात है, एक दिन की बात से ज़्यादा वो जो हैरेसमेंट होती है ना कि आपको इधर भगाओ उधर भगाओ, आपसे ऐसे सवाल जवाब करेंगे जैसे आप पता नहीं कोई उठाई गिरे हो, चोर उचक्के हो, वो चीज़ क्या होता है फिर आपके पास अगली बार किसी कंट्री जाने से पहले ना आपका वो दिमाग के अंदर पिछला बैड एक्सपीरियंस होता है। इंडियन के साथ तो इंडिया में इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसा सलूक करते तो बाहर तो करेंगे। चलो देखते हैं जो भी होगा, झट होता है पूरा बैग खोलना, पेपरों को वापस लगाना, एक एक पेपर समेटना, कहीं पेपर आपके 6 जगह तो पेपर चेक हो रहे हैं बार बार, आपको लगता है कोई पेपर तो नहीं छूट गया। अभी वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पहली बार वापस भेजा तो बोर्डिंग पास उसके पास रह गया, मैंने अगर बोर्डिंग पास लिया हूँ नहीं तो मुझे इसी के पास ही आना पड़ेगा, तो ये सब बड़े झंझट रहते हैं। मकाऊ में हुआ बैड एक्सपीरियंस, यहाँ देख लो आप, मकाऊ में तो वापस जाते टाइम भी हुआ था, वापस जाते टाइम भी उन्होंने मुझे उसी इंटेरोगेशन रूम में लेके गए और वहाँ बैठाया, पर उस समय सवाल जवाब नहीं किए। ये सब क्यों होता है मालूम है, जब पासपोर्ट जिस देश का होता है उसकी रैंकिंग डाउन होती है, और हमारी पिछले साल रैंकिंग गिरी है। जिनके मजबूत पासपोर्ट होते हैं उनसे कुछ भी नहीं होता, उनको तो सीधा स्टैंप मारते जाओ। जाता हूँ लाइन में लगता हूँ फिर से, देखते हैं क्या होता है।